डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यू विल बी ग्रेटली ब्लेस्ड विद हेल्थ एंड आई होप दैट यू हैव प्रैक्टिस योर प्रीवियस एक्टिविटीज केयरफुली एंड प्रॉपरली एंड आवर टुडेज टॉपिक इज अ गुड प्ले एंड एक्टिविटी इज वर्कशीट। हियर इज अ नोट फॉर पेरेंट्स, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स काइंडली टेक हेल्प फ्रॉम बुक पेज नंबर 20 टू गिव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पंक्चुएशन। इट मीन्स दिस टॉपिक here we have the question about the punctuation and page number 21 for countable and uncountable nouns. It means we have two activities, one is for punctuation and second part is about the countable and uncountable noun. It's a solution of the worksheet activities. Add punctuation, exclamatory sign, exclamation mark, interrogation sign, apostrophe and comma and full stop. This sign, that is the exclamation sign, this sign is used when we have to show our feelings. इस साइन को हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपनी कोई फीलिंग्स शो करनी हो। सेकंड वन इज़ द इंटरोगेशन साइन क्वेश्चन मार्क। इट इज़ यूज व्हेन वी हैव टू आस्क समथिंग, जब हमने कोई सवाल पूछने तब। नेक्स्ट वन इज़ द अपोस्ट्रॉफी, दिस इज़ यूज फॉर शोइंग द पोजेशन, ये कोई पोजेशन शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द इन्वर्टेड कॉमास, ये किसी बात को एग्जैक्ट कोट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ फुल स्टॉप, दिस इज यूज व्हेन वी हैव टू एंड अ सेंटेंस, एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस वी यूज द फुल स्टॉप। इट्स दीज आर द सेंटेंसेस दैट इज द सॉल्व एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस आल्सो केयरफुली। एंड नेक्स्ट वी हैव द हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द साइन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, colon, inverted commas, comma, full stop, semicolon. Match up the punctuation mark name with its definition. Full stop used to end a sentence, apostrophe to show or indicates ownership, question mark to mark out speech, quotation mark used to mark out speech. जब हमने कोई किसी person के एग्जैक्ट वर्ड बताने कि उसने क्या कहा या क्या यूज़ किया या क्या और किस तरह बात की, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज द कॉमा, टू सेपरेट आइटम्स, यानी कि सेंटेंस में मुख्तलिफ वर्ड्स को लिखते हैं, मुख्तलिफ थिंग्स को लिखते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए। वो पर्सन भी हो सकते हैं, थिंग्स भी हो सकती हैं। पॉइंट नंबर फाइव, दैट इज़ अबाउट क्वेश्चन मार्क फॉर आस्किंग सेंटेंस, जब कोई सवाल या फिक्र हो तो उसके लिए हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन कौन से हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल वो नाउन है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। इसका सिंपल आंसर ये है कि जिनके हम प्लूरल बना सकते हैं वो क्या हैं, काउंटेबल हैं, और जिनको हम प्लूरल नहीं बना सकते वो क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। जो जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो क्या हैं, काउंटेबल हैं, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या हैं, अनकाउंटेबल हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी केयरफुली एंड प्रॉपरली, प्रैक्टिस इट ऑन योर रफ नोटबुक। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव वन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।